लीवर खराब होने से पहले हमें देता है ये 5 संकेत, पता नहीं चला तो हो सकती है गंभीर समस्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोगानुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान का शरीर कई अंगों से मिलकर बना होता है। किसी व्यक्ति के स्वस्थ जीवन के लिए उसके सभी अंगों का ठीक से काम करना बहुत ही जरूरी होता है। यदि किसी शख्स के शरीर का एक भी अंग खराब हो जाए तो उसका पूरा जीवन नरक जैसा हो जाता है और फिर एक निश्चित समय के बाद उसकी मृत्यु हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, लीवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पेट के दाहिने और रिब के नीचे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जी हाँ दोस्तों, इसका मुख्य काम भोजन को पचाना और शरीर को विषाक्त पदार्थों से छुटकारा दिलाना होता है। लीवर से जुड़ी समस्याएं जेनेटिक से भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में लीवर की समस्या कई प्रकार के कारकों के कारण हो सकती है जो उसे नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे वायरस, एल्कोहल, शराब, खान पान और मोटापा। जी हाँ दोस्तों, आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में लोगों के पास अपनी सेहत के लिए भी समय नहीं है। शरीर के अंदर क्या चल रहा है इस बात पर पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्किन हमारे शरीर के बारे में कई चीजें बता देती है। यह शरीर में होने वाली बीमारियों की तरफ इशारा करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम समय रहते अपने शरीर के लक्षणों को जान लें तो लीवर जैसी गंभीर से गंभीर और खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल कुछ लक्षण जिसे पहचानने के बाद हम अपने शरीर को बचा सकते हैं, जो कि हमें साक्षात हमें अपने शरीर में खुद से दिखाई देंगे और इसे हम खुद से पहचान भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे। केवल कुछ लक्षण जिसे जान लें और पहचान लें और समय रहते बच सकें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, लीवर डैमेज होने के पीछे एक कारण खून में पित्त का बनना भी होता है। जब पित्त का रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो वह खून में मिलने लगता है और स्किन के नीचे वाले भाग में इकट्ठा होने लगता है, जिससे स्किन में खुजली होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2। लीवर खराब होने के लक्षण में सबसे पहले आंख, त्वचा और नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगता है। यही नहीं, इसके साथ पेशाब का रंग भी पीला हो जाता है। यह बाइल जूस के अत्यधिक प्रोडक्शन की वजह से होता है। नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, मुंह में गंदी बदबू आने के कारण लीवर का खराब होना भी उन्हीं कारणों में से एक है। लीवर के खराब होने पर मुंह में गंदगी, बदबू इत्यादि जमा होने लगती है, क्योंकि मुंह में अमोनिया ज़्यादा रिसता है। इसलिए मुंह से अगर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है तो इसका लेवल, इसका सीधे संकेत आपको लीवर से भी हो सकता है। नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पेट के निचले हिस्से में सूजन आती हुई दिखाई दे रही है तो यह लीवर में खराबी का कारण और इसका संकेत हो सकता है। यह सूजन लीवर में लगातार काम बढ़ जाने की वजह से होता है। इस कंडीशन को कभी भी अनदेखा न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, पाचन तंत्र के खराब होने का यह मुख्य कारण हो सकता है कि आपके शरीर में कोई समस्या आ गई है। इस दौरान आपके लीवर पर जमा हुआ बसा आपको और इसकी गंभीर समस्या को पैदा कर सकता है। तो यदि आपको पानी की और कोई भी चीज़ हजम नहीं हो रही है तो आपको जरूर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, लीवर एक एंजाइम पैदा करता है जिसका नाम होता है बाइल, जो कि स्वाद में बहुत ही खराब लगता है। यदि आपके मुंह में कड़ुआपन लग रहा हो तो इसका मतलब कि आपके मुंह में बाइल पहुंच चुका है और जो पहुंच रहा है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, किसी भी आयुर्वेदिक या फिर किसी भी दवाई खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें।